हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एआरसीएल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। और यहां पे एक तरह से मैंने बताया था ये स्टॉक महा मल्टीवैगर स्टॉक बनने वाला है आने वाले समय में, और ये स्टॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से करीब 2 महीने पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था, और यहाँ पे अगर हम करीब करीब हम देखें तो यहाँ पे 48 रुपये इस लेवल पे मैंने वीडियो बनाया था इसका। और मैं इसको एक तरह से जो एक तरह से हम अपनी रडार में रखे हुए हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साथ से मैं ऑलमोस्ट इस स्टॉक को रडार में रखे हुए हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब करीब आपको यहाँ पे इस स्टॉक पे जैसे ही लिस्ट हुआ था उसके बाद से इस स्टॉक को मतलब कि यहाँ पे मैं अपने फोकस में रखे हुए हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से गेन अच्छा देखने को मिल रहा था आईपीओ में भी, और यहाँ से अब तक ये रिटर्न है जो 314% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और इस तरीके से यहाँ पे चार्ट में आप देखिएगा कि एकदम इस तरीके से चार्ट बनता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कंटिन्यू ऊपर की ओर ही जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है एआरसीएल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। दोस्तों इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने यहाँ पे दिया था 2 महीने पहले ये बनेगा अगला मल्टीवैगर, 5 साल में करोड़पति बनाएगा, रॉकेट जैसी तेजी। अगर मैं इस वीडियो को ओपन करूँ 2 महीने पहले वाला तो यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या है। आप देख सकते हैं एआरसीएल ऑर्गेनिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ये उस टाइम पे 209% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका था। और सोचिए कि अभी जब से मैं वीडियो बनाया हूँ जब से एक तरह से यहाँ पे बहुत तगड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है एआरसीएल ऑर्गेनिक लिमिटेड, और अभी भी यहाँ पे इस स्टॉक में रुकने का नाम नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी का फंडामेंटली काफी छोटी कंपनी में फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, इनके मैनेजमेंट है जो काफी एक्टिव नजर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी चीजें बताया था इस स्टॉक के बारे में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं नहीं है उसका, लेकिन यहाँ पे एआरसीएल ऑर्गेनिक्स का यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होगा दोस्तों बाय एंड सेल करने का। दोस्तों हम आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं एआरसीएल की। अगर हम देखें एआरसीएल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड करती क्या है, बेसिकली 1959 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी, पार्ट ऑफ मर्जन अगर आप देखोगे तो अलग यहाँ पे अलग अलग कंपनी को मर्ज करके एआरसीएल का नाम चेंज करके 2012 में बनाया गया इनका कंपनी। एक तरह से अगर आप देखोगे तो कंपनी पैनल, एनिमल फीड, रबर, फार्मा, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, पेपर फाउंड्री, पेंट, सेवरल अदर इंडस्ट्रीज में काम करती है, जैसे कि यहाँ पे अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक DIN, BIS, ASTM, GS ये सब सारी चीजें देख सकते हैं, तो ये सब सारी चीजें कंपनी का है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी बहुत छोटी है, पेनी स्टॉक है दोस्तों, पेनी स्टॉक में भी यहाँ पे कंपनी के एक तरह से अगर आप देखोगे तो पेनी स्टॉक का किसी का P/4 की रेटिंग पे नहीं देखने को मिलेगा। इतनी कंपनी प्रॉफिट करती है कि इनकी जो PE है बढ़ ही नहीं पाती, कितना भी शेयर भाग जाए फिर भी यहाँ पे PE नहीं भाग पा रही है। यहाँ पे मार्केट कैप देखे तो यहाँ पे 52,002 करोड़ का देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों 52,20,00,000 का देखने को मिलता है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुआ, एक तरह 52 मार्केट कैप है जो 52,20,00,000 का। तो यहाँ पे कंपनी के जो एक तरह से अगर आप बात करें इस कंपनी की जो डिविडेंड है, डिविडेंड तो देती नहीं, बुक वैल्यू ही 81 रुपया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और अभी भी ये बुक वैल्यू से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं खुद ये चीजें देख सकते हैं कि 81 रुपया बुक वैल्यू है कंपनी पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी। आप देख सकते हैं 20% का ROC या ROE 18% का, इतना किसका रहता है पेनी स्टॉक में, आप देख सकते हैं इतनी अच्छी एक तरह से फंडामेंटली आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है कंपनी का, आने वाले समय में स्टॉक का स्प्लिट भी कर सकती है कंपनी। डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे डेप्ट देखिए कितना है कंपनी के ऊपर, मात्र 45,00,000 का कर्ज है दोस्तों, और 14.10 रुपया का EPS जनरेट करती है। आप देखिए 14.10 रुपया वाले शेयर कहाँ पे होते हैं, 500-600 पे ट्रेड करते हैं एक तरह से इतने EPS वाले। अगर हम डेप्ट बात करें तो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है 29.2 करोड़ का, और इनके पास जो रिजर्व्स है आप देख सकते हैं 57.5 करोड़, तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छा है 69.2%, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो कुछ अच्छी चीज़ें होती है
ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिव रहती है तो कुछ पॉइंट निगेटिव, एक दो पॉइंट भी रहता है। तो यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो देखने को मिल रहा है, प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है कंपनी का प्लेजिंग। और यहाँ पे इंडस्ट्री पी 39 है और ये इसकी पी आपको 4 पे देखने को मिलता है। तो ये अपनी इंडस्ट्री के पी पे भी जाता है स्टॉक, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न है। आरएसआई इतना बुलिश है कि 100 की आरएसआई देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एफआईएसआई की होल्डिंग रही है, लेकिन डीआईएस की 0.75% की होल्डिंग है। तो सोचिए कि यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन भी खरीदारी कर रखे हैं। और ग्राम नंबर प्राइस इसकी 161 रुपये प्राइस होनी चाहिए, आप सोचिए अभी के टाइम पे 65 रुपये प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन यहाँ पर इसको आप बाइंग करने चाहोगे तो आपकी खरीदारी तुरंत नहीं होगी, क्योंकि लोग बेचते नहीं हैं। यहाँ पे कम शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम है, ठीक है। कुछ लिमिटेड लोग ही हैं, 1000 में ही हैं, और लाख में भी नहीं शेयर होल्डर्स लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि 1000 में ही शेयर होल्डर्स लोग हैं, और वो बेचते नहीं हैं, वो होल्ड करके रखे हुए हैं क्योंकि उनकी शेयर प्राइस बढ़ रही है हमेशा कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर कोई बेचते हैं उनमें से कोई प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एएमओ ऑर्डर लगाना होगा, या पूरी दिन आपको लिमिट में ऑर्डर लगा के छोड़ देना होगा। इस तरीके के चीज़ें करोगे तभी आपको इसके अंदर बाइंग देखने को मिलेगा, अनदरवाइज बाइंग होगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखो, सीधा कैसे ग्रो किया है इस कंपनी का। और जब यहाँ पे केमिकल में बूम आने वाला है तो इस स्टॉक का क्या होगा, 46 करोड़ से सीधा 57 करोड़। और यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिला, 13.61% से 9.21%। कंपनी वर्क करती है तो कभी गिरावट कभी अपसाइड दोनों देखने को मिलता ही है। यहाँ पे कंपनी का एक तरह से अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो प्रॉफिट है फिर भी बहुत अच्छा आया है। प्रॉफिट कैसे आया है, तो मार्च में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे 74% टैक्स गया था गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1.74 करोड़ की। लेकिन इस बार यहाँ पे 1.95% नेट टैक्स गया, और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, 5.04 करोड़ की। तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपनी का हुआ है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट की ऊपर क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की बात करें तो कंटिन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहा है, एक छोटी कंपनी जितना इनका मार्केट कैप नहीं उससे ज़्यादा यहाँ पे सेल्स करती है, 71 करोड़, 71 करोड़, 87 करोड़, 141 करोड़, 165 करोड़, 191 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रो इस तरीके से होती है ग्रो किसी भी कंपनी में, जो कंपनी यहाँ पे महा मल्टीवैगर स्टॉक बनेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के जो प्रॉफिट है किस तरह से 1 करोड़ से सीधा 11 करोड़ तक पहुँचा है सफर, आप देखें किस तरीके से ग्रो की है कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो यहाँ इन्वेस्टर में देखिएगा डीआईएस जो खरीदे हैं अपनी होल्डिंग को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं सेल कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, कि नहीं मेरे को नहीं सेल करना। दूसरी बात यहाँ पे प्रमोटर्स है वो आप देखिए उनकी होल्डिंग में से कोई भी आपको शेयर इधर उधर होता हुआ ही नहीं नजर आता, तो उनको पता है कि हमारी कंपनी अच्छी है, आगे चल के बड़ा कंपनी बनने वाली है। एक तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है कंपनी के अंदर, अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक भी नहीं सेल करती है, ये भी कहती है मैं नहीं सेल करूंगा, मुझे पता है कि कंपनी अच्छी है। लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है तो मैं क्यों सेल करके चलूँ, उसको लंबे समय के लिए लोग छोड़ दिए हैं होल्ड करने। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सेल करना चाहते होंगे, जो सेल कर रहे होंगे, तो उन यहाँ पे आपके पास बाइंग करने का यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज होगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको पर डे लगा के छोड़ना पड़ेगा, लिमिट में एमओ ऑर्डर लगाना पड़ेगा, तभी आपकी खरीदारी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यहाँ पे दोस्तों मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, लेकिन आप स्टॉक पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करने का रिकमेंडेशन जरूर करूंगा। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करें, 200 रुपीज़ का रिवॉर्ड्स पाए मेरे तरफ से। दोस्तों आप कमेंट करेंगे यहाँ पे कि किस पे आपने अगर अमाउंट ओपन अकाउंट ओपन कर रखे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा, इसी वीडियोस में कमेंट कर दें, या आप टेलीग्राम पे जाके कमेंट करें, आप कहीं भी कमेंट कर देंगे कि आपका नाम बताना होगा सिर्फ, और आपको बोलना होगा कि हाँ हमने ओपन किया अकाउंट स्टॉक पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ का UPI पेटीएम जो भी होगा वो आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। दोस्तों